Today we are going to learn the unit second of OR, integer programming and branch and bound technique. In this video lecture, first we are going to learn the algorithm of bounded variable technique. First, we see the step of this algorithm. Step first is convert the minimum LPP into that of maximization time. मीन्स अगर आपका जो गिवन प्रॉब्लम है वो एलपीपी है, वो अगर मिनिमम टाइप में है तो उसको मैक्सिमाइज करना है आपको. तो मैक्सिमाइज कैसे करना है, तो वो इक्वेशन को निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वन से मल्टीप्लाई करो, वो मैक्सिमाइजेशन टाइप में हो जाएगा. मीन्स इफ एनी बी इज निगेटिव, कन्वर्ट इट इन टू पॉजिटिव. देन स्टेप नंबर सेकेंड, इन स्टेप सेकेंड the convert inequality of the constant into equation and obtain an initial basic solution. Means जो भी आपके constant है उसमें अगर less than है, greater than है, तो उसको equality में convert करना है. Equality में convert करना है means उसमें slack variable और surplus variable को add करना है. Then step number third. In step number third, if any of the variable is of positive lower bound, substitute it out as its lower bound. Means जो भी equation है उसमें positive lower bound निकालना है. Variable की value दी, अगर दी होंगी तो डाल के आपको lower bound निकालना है. Then we see the step number four. Means step number four में compute the net evaluation del j, that is del j is equal to zj minus cj, means examine their sign. If all del j greater than zero, the optimum basic feasible solution has been attained or obtained, otherwise go to the next step. Means jo del j nikalna hai isme zj, means zj is equal to cb into xij, और डेल जे इज इक्वल टू सी बी इंटू एक्स जे माइनस सी जे, ऐसे करके आपको ये डेल जे हर एक कॉलम का निकालना है. देन गो टू द नेक्स्ट स्टेप, एंड नेक्स्ट स्टेप इज चूज द मोस्ट निगेटिव ऑफ डेल जे. तो जो भी आपने डेल जे निकाला है उसमें से जो मोस्ट निगेटिव है उसको चूज करना है. देन गो टू द स्टेप नंबर सेकंड. इन स्टेप नंबर सेकंड compute the quantities q1. q1 is equal to minimum, that is xbi minus divided by xki, where xki greater than 0. xki ki means x1, x2, x3, iski value isme se jo bhi positive hai usse ye xb ko divide, xb se usko divide karna hai aur aapko q1 milega. Second step, we find the Q2. Q2 means minimum of UJ minus XBI upon minus XKI. XKI less than zero. XKI जो भी है वो अगर नेगेटिव है तो उससे UJ minus XBI को divide, उससे UJ minus XBI को divide करना है और ये value निकालनी है Q2. Then find the Q. Q means minimum of Q1, Q2, UJ. UJ means upper bound. ये Q1 और Q2 आपने ऊपर के दो स्टेप में निकाला है और UJ जो है ये प्रॉब्लम में दिया रहता है लोअर बाउंड. तो वो इसमें से जो भी मिनिमम है वो निकालना है. देन गो टू द नेक्स्ट स्टेप, मीन्स वेयर XBI करस्पॉन्ड टू करंट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एंड UJ इज द अपर बाउंड फॉर द वेरिएबल XI. Then find the case one. If Q is equal to Q1, आपने जो Q निकाला है, Q कैसे निकालते हैं, minimum of Q1, Q2 and UJ. इसमें से अगर Q ये Q is equal to Q1 है, means Q1 minimum है, तो which correspond to XBK, then XR enter the basis and XQ, XK lose using the regular row operation of the simplex method. Means अगर Q ये Q1 के correspond है
तो आपका जो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री में से जो भी है उसको अपन ने डिनोट किया है एक्स आर, वो एंटर होगा बेसिस में और वहां जो भी स्लैक वेरिएबल रहेगा एस वन एस टू एस थ्री वो क्या होगा ल्यू होगा इस केस में, और सिंप्लेक्स मेथड से उसे सॉल्व करना है, जो ल्यू जो एंटर होता है उसे वन करना है और बाद में ऊपर नीचे के जीरो करना है, वो प्रॉब्लम में देख प्रॉब्लम में मैं बताऊंगी आपको। देन सेकंड स्टेप, इफ q इज इक्वल टू q2 व्हिच करस्पोंड टू xbk, देन xr एंटर द बेसिस एंड xk लीव द xbk, बीइंग अ नो बेसिस एट इट अपर बाउंड मस्ट बी सब्स्टिट्यूटेड आउट बाय यूजिंग xbr इज इक्वल टू xbr माइनस xkr इनटू ur। तो अगर क्यू एक मिनिमम क्यू टू है एक क्यू में, तो वो क्या उसके करस्पॉन्ड अगर है तो एक्स आर एंटर द बेसिस एंड एक्स के लीव द एक्स बी के एंड नो बेसिस एट दिस अपर बाउंड मस्ट सब्स्टिट्यूटेड बाय यूजिंग दिस एक्स बी आर। देन अगर थर्ड केस, इफ क्यू इज इक्वल टू यू आर, यू आर मीन्स अपर बाउंड, क्यों अगर अपर बाउंड के इसमें से होता है तो आपको क्या करना है एक्स आर सब्स्टिट्यूट एज अपर बाउंड एंड डिफरेंस द यू आर माइनस एक्स आर एंड व्हाइल रिमेनिंग द नॉन बेसिक सॉल्यूशन देन गो टू द स्टेप सेकंड इन से गो टू द नेक्स्ट स्टेप एंड नेक्स्ट स्टेप इज सेवन, गो टू द स्टेप सेवन, फोर टू फाइव स्टेप आर रिपीटेड अंटिल वी गेट द डेल जे ग्रेटर देन जीरो। If del j greater than zero, then our problem is stop. अगर नहीं del j greater than zero नहीं आए तो repeat करना है process four से five तक, means Q1 निकालना है, Q निकालना है आपको, कौन से correspond आता है वो देखना है, बाद में enter कौन सा होता है basis में, कौन जाएगा ये leave कौन करेगा, ये सब देख के problem को solve करना है by using the simplex method. Then we see the problem, then you understand very well this method. ये algorithm है, algorithm आपको अगर मालूम होता है तो आप problem solve कर सकते हैं। मैं बाद में आपको notes देने वाली हूँ, लेकिन अभी तो आपने जो step देखे है वो problem में सब use करके आपको problem solve करना है। You are audible or not? You are audible? हेलो स्टूडेंट। यस मैम। तो प्रॉब्लम देखो, ये प्रॉब्लम है बाउंडेड वेरिएबल टेक्निक का। तो प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम दिया है यूजिंग बाउंडेड वेरिएबल टेक्निक सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी, मैक्स जेड इज इक्वल टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स थ्री एंड सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री लेस देन टेन एंड सेकंड कंस्टेंट दिया है एक्स वन माइनस ट्वाइस एक्स थ्री ग्रेटर देन जीरो एंड थर्ड कंस्टेंट इज ट्वाइस एक्स टू माइनस एक्स थ्री लेस देन टेन और इसके अपर बाउंड ये हुए एक्स जीरो लेस देन एक्स वन लेस देन एट, मीन्स एक्स वन की वैल्यू एट से ऊपर नहीं होनी चाहिए और दूसरी जीरो लेस देन एक्स टू लेस देन फोर, मीन्स एक्स टू नॉट ग्रेटर देन फोर और थर्ड है x3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं जीरो लेस देन x3 लेस देन इंफिनिटी। देन फर्स्ट राइट द सॉल्यूशन, देन राइट द गिवन एलपीपी। गिवन एलपीपी दिया है x1 प्लस 3x3, तो इसमें स्लैक वेरिएबल ऐड करने हैं, तो सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट इज गिवन इज 3 1 2 and 3, therefore here you add 3 slack variable. Then write the given LPP, max z is equal to x1 diya nahi hai, isliye x1 nahi hai, x2 plus 3x3 plus slack variable adding to 0. Aapne se pehle unit mein dekha hoga simplex method mein. To yaha plus 0s1 plus 0s2 plus 0 यस थ्री, देखा है आपने ये पहले वीडियो सिंप्लेक्स मेथड का, देखा या नहीं?
ये समझ में आया कैसे याद किया था एस वन एस टू एस थ्री? हाँ या नहीं? यस मैम। तो ये स्लैक वेरिएबल है, जो पॉजिटिव वेरिएबल रहते उसको स्लैक कहते हैं और जो निगेटिव रहते उससे सरप्लस वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ देखो मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री प्लस जीरो एस वन प्लस जीरो एस टू प्लस जीरो एस थ्री, देन राइट द सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट। ये पहला कंस्टेंट दिया है यहाँ एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री लेस देन इक्वल टू टेन। यहाँ इनइक्वालिटी को आपको क्या कन्वर्ट करना है इक्वालिटी में, तो यहाँ एस वन ऐड किया सेकंड कंस्टेंट में एस टू और थर्ड में एस थ्री। तो पहला कंस्टेंट हो गया एक्स वन प्लस एस टू एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एस वन इज इक्वल टू टेन। कंस्टेंट नंबर सेकंड माइनस एक्स वन प्लस ट्वाइस एक्स थ्री प्लस एस टू इज इक्वल टू जीरो और थर्ड कॉन्स्टेंट है ट्वाइस एक्स टू माइनस एक्स थ्री प्लस एस थ्री इज इक्वल टू टेन। एंड दिस थ्री स्लैक वेरिएबल एस वन एस टू एस थ्री ग्रेटर देन जीरो, इसकी वैल्यू क्या है लेनी है ग्रेटर देन जीरो मीन्स जीरो ऑलवेज पॉजिटिव ऑफ दिस वैल्यू एंड इसके अपर बाउंड होगा जीरो लेस देन एस वन लेस देन इन्फिनिटी, जीरो लेस देन एस टू लेस देन इन्फिनिटी और जीरो लेस देन एस थ्री लेस देन इन्फिनिटी मीन्स इसकी तीनों की वैल्यू अपर बाउंड होगा इन्फिनिटी। देन राइट द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो जो आपके प्रॉब्लम में वेरिएबल है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इसकी वैल्यू जीरो लिखो। इसकी वैल्यू अगर जीरो लिखी पहले कंस्टेंट में तो आपको एस वन की वैल्यू मिल जाएगी टेन। ये पहला कंस्टेंट जो है यहाँ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इज जीरो देन एस वन इज इक्वल टू टेन। सेकंड कंस्टेंट में एक्स वन और एक्स थ्री की वैल्यू जीरो देयरफॉर एस टू इज इक्वल टू जीरो एंड थर्ड कंस्टेंट में एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यू जीरो देन एस थ्री इज इक्वल टू टेन। दिस इज द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मीन्स इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में गिवन प्रॉब्लम में जो भी वेरिएबल है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री उसकी वैल्यू जीरो रख के स्लैक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए देन कंस्ट्रक्ट द टेबल। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल फर्स्ट इज सी बी वाई बी एक्स बी एंड जितने भी वेरिएबल है अपने गिवन कंस्टेंट में दिए हुए एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री है, ये तीन वेरिएबल दिए हैं और आपने जो याद किया है ये प्रॉब्लम में वो है एस वन एस टू और एस थ्री एंड लास्ट कॉलम इज यूजे। यूजे मीन्स अपर बाउंड ऑफ द गिवन प्रॉब्लम और यूजे माइनस एक्स बी, एक्स बी मीन्स ए तो और सीजे सीजे मीन्स गिवन एलपीपी मीन्स पहला जो मैक्सिमाइज स्टेप में लिखा हुआ रहता है ये वैल्यू रहती सीजे मीन्स ए। तो आपको ये टेबल में वैल्यू पुट करनी है पहले सीबी सीबी मीन्स आपने बेसिक किस वैल्यू की कितनी ली है पहले जीरो देयरफॉर सीबी इज इक्वल टू जीरो जीरो जीरो। ये जीरो जीरो कहाँ से आए तो ये जीरो जीरो यहाँ से आए स्लैक वेरिएबल की वैल्यू इन मेन इक्वेशन में मैक्सिमाइज टाइप इक्वेशन में दी है गिवन एलपीपी में दी है एस वन इज जीरो एस वन प्लस जीरो एस टू और प्लस जीरो एस थ्री। दिस वैल्यू इज राइट इन दिस टेबल जीरो 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 में और वाई बी मीन्स बेसिक जो भी स्लैक वेरिएबल है वो तो वो है एस वन एस टू एस थ्री ये स्लैक वेरिएबल। देन एक्स बी एक्स बी मीन्स गिवन कंस्टेंट में जो भी वैल्यू दी हुई रहती है वो तो एक्स बी के पहले कंस्टेंट में टेन है एस वन की वैल्यू ये यहाँ इनिशियल बेसिक में आपने निकाली है तो ये यहाँ से और सेकंड में जीरो और सेकंड में थर्ड में टेन तो ये यहाँ से लिखी है टेन जीरो जीरो और एक्स वन। अब पहले कंस्टेंट में देखो एक्स वन की वैल्यू कितनी है वन एक्स टू की टू एक्स थ्री की वन और एस वन की वन एस टू और एस थ्री नहीं है
तो ये टेबल में लिखिए वन 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 एस टू और एस थ्री नहीं है जीरो. देन सेकंड कांस्टेंट में देखो वैल्यू क्या है. एक्स वन इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स टू नहीं है जीरो. एक्स वन इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स टू नहीं, एक्स टू है, मिस्टेक हो गई. ये प्रॉब्लम में ये रॉन्ग हो गए हैं ये नोट्स है ना इसमें. तो देखो ये जो सेकंड कंस्टेंट दिया हुआ है ये कैसा होना चाहिए था, माइनस एक्स वन प्लस ट्वाइस एक्स टू प्लस ट्वाइस एक्स थ्री प्लस एस टू इज इक्वल टू जीरो. देयरफॉर देन वी राइट माइनस वन और x2 की वैल्यू 2 और x3 की भी 2, 0, 1, 0. तो ये गलत है, सेकंड कंस्टेंट गलत है. आप इसको अब समझ लो. नोट्स में भी ये गलत होगा, जब मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगी तब ये प्रॉब्लम आपको गलत दिखेगा. तो यहाँ माइनस x1 की वैल्यू है माइनस 1, x2 की 2, मीन्स ये यहाँ गायब हो गए, ये लिखना है, और x3 की 2. और यहाँ s1 नहीं है इसलिए ये वैल्यू 0, s2 1, s3 0. देन थर्ड कांस्टेंट x1 की वैल्यू नहीं है इसलिए ये 0, x2 की है 2 और x3 की वैल्यू है माइनस 1 एंड s1 s2 इज इक्वल टू 0 एंड s3 गिवन है 1. हो गया इतना समझ में आए. और देन cj, cj मीन्स गिवन LPP. गिवन LPP में x1 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये 0. x2 की वैल्यू कितनी है, 1, x3 की 3 और स्लैक वेरिएबल s1 0 0 0. ये अपर बाउंड क्या वैल्यू आपने यहाँ ली है, s1 s2 s3 इज इंफिनिटी, s1 s2 s3 इंफिनिटी. और गिवन प्रॉब्लम में यहाँ आपको दिख रहा है कि x1 का अपर बाउंड कितना है, इंफिनिटी. देयरफॉर हियर राइट to infinity and x1 x2 का अपर बाउंड कितना है, 8. x1 का 8 है, x2 का 4 है, तो ये यहाँ लिखी 8 और 4. then find the del j. del j is equal to, आपको मैंने बताया है कि cb into xi means cb की वैल्यू 0, cb into xi means zj माइनस cj. zj मीन्स cb इंटू xi, फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ ये जो वैल्यू निकालनी है आपको, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 एंड एडिशन ऑफ ऑल थ्री दिस इज 0, 0 माइनस cj 0. cj की वैल्यू कितनी है यहाँ, 0, 0 माइनस 0 0. इन सेकंड स्टेप 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 0 माइनस 1, देयरफॉर हियर माइनस. सेम प्रोसीजर 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 0 एंड 0 माइनस cj. cj हियर गिवन इज 3, देयरफॉर दिस इज माइनस 3. And same procedure is used and we get this value 0, 0, 0. Then we choose the most negative of all these del j. अगर पूरे del j की value यहाँ positive आती है तो problem stop हो जाएगा आपका. अगर नहीं आई तो उसमें से most negative देखना है. तो यहाँ most negative कौन सा है, minus 3. Therefore consider this column is a key column. मोस्ट नेगेटिव कॉलम को ऐसे लाइन ओड के कर देना और ये मोस्ट नेगेटिव कॉलम हो जाएगा. देन फाइंड अ वैल्यू ऑफ क्यू. अब क्यू कैसे फाइंड करना है, तो फर्स्ट फाइंड अ क्यू वन. क्यू वन मीन्स मिनिमम ऑफ एक्स बी आई अपॉन एक्स के आई एंड एक्स के आई ग्रेटर देन जीरो. मीन्स
यक्स भी है, यक्स भी है, यहाँ ये जो की कॉलम है इसमें से यक्स आपको दिख रहा है कि पहला रो में ये वन है और सेकंड में टू है, मीन्स यक्स के क्या है यहाँ दोनों पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव है। तो इसका जो एक्स भी आई, इसका एक्स भी आई कितना है, 10 डिवाइडेड बाय 1, 10, 0 डिवाइडेड बाय 2, 0, मीन्स यहाँ निकाला है आपने 10 डिवाइडेड बाय 1, 10 और 0 डिवाइडेड बाय 2, 0, एंड मिनिमम ऑफ दिस 10 और 0 में से मिनिमम कौन सा है, 0, और ये 0 कौन से कॉलम के करस्पॉन्ड टू आया है, सेकंड, इसके करस्पॉन्ड टू, 0 डिवाइडेड बाय 2 मींस इसके करस्पॉन्ड टू है। देन फाइंड Q2, इन Q2 मिनिमम ऑफ UJ माइनस XBI अपॉन XKI माइनस XKI, अगर XKI लेस देन 0 है मींस नेगेटिव टर्म है तो देखो ये थर्ड कॉलम में क्या दिख रहा है आपको, नेगेटिव दिख रहा है ये -1, तो आपको ये UJ माइनस XBI, UJ क्या है ये इंफिनिटी, माइनस XBI, XBI मींस पहले रो का XBI कितना है 10, मींस या इंफिनिटी माइनस 10, इंफिनिटी 0, सेकंड में 0 माइनस इंफिनिटी माइनस 0, इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस 10, इंफिनिटी, ये हो गया। तो आपको ये सेकंड Q2 निकालना है, Q2 कैसे निकालना है, UJ, UJ यहाँ कितना है इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस माइनस 1, देखो ये इंफिनिटी अपॉन माइनस ऑफ माइनस 1 मीन्स इंफिनिटी, देन Q2 इज इक्वल टू इंफिनिटी, देन फाइंड UJ, UJ ऑफ दिस की कॉलम इज, ए कॉलम का UJ आपको दिख रहा है ए इंफिनिटी, देन मिनिमम ऑफ दिस 3, तो आपको पहले लिखना है Q इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ Q1 Q2 Q3, आपने पहले निकाला है Q1 वो आया 0, Q2 निकाला वो इंफिनिटी, और अब UJ निकाला वो कितना है इंफिनिटी, इसमें से मिनिमम कौन है 0, तो Q आ गया आपका 0, और ये 0 को किसके करस्पॉन्ड टू है, Q1 के करस्पॉन्ड टू है, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग टू Q1, एंड ये कौन से वैल्यू के इसमें आपको दिख रहा है, इस कॉलम में देखा होगा आपने, तो यहाँ 0 डिवाइडेड बाय 2 आपको वो Q1 आया था 0, देयरफॉर की एलिमेंट इज 2, समझ में आया आप सबको, समझ रहे या नहीं, हेलो, यस मैम, हाँ तो समझ गया मैम, समझ गया, अच्छा लग रहा है वीडियो लेक्चर या नहीं, हेलो हेलो सो रहे, अच्छा है मैम, समझ रहा है या नहीं, समझ आ रहा है, हाँ ठीक, समझ आ रहा है मैम, ठीक है, ये 2 जो हो गया आपका की एलिमेंट, अब ये 2 को क्या करना है, आपको 1 करना है, ये 2 को 1 करना होगा तो क्या करोगे, आप क्या करोगे बोलो, इंटरेक्शन 2 से डिवाइड, हाँ 2 से डिवाइड, ये सेकंड रो को क्या करना है आपको, 2 से डिवाइड, अगर 2 से डिवाइड किया तो ये भाव हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1/2, और ये -1/2, ये 0 रह जाएगा, पता चले, समझ रहा है ना, और इसको 1 करके ये ऊपर नीचे वाले क्या करना है 0, तो ये सेकंड टेबल में, तो देखो सेकंड टेबल, तो इनकमिंग वेक्टर कौन सा होगा आपका, इनकमिंग वेक्टर हो गया x3 एंड आउटगोइंग s2 एंड की एलिमेंट इज 2, देन इन नेक्स्ट टेबल फर्स्ट राइट द cb YB, XB, X1, X2, X3, S1, S2, S3, UJ minus XBI, ये कॉलम टेबल आपको ऐसे ड्रॉ करना है, देन देखो पहले का है स्लैक वेरिएबल जैसे का वैसे रहेगा, S2 जाके कौन आ रहा है X3, therefore here X3, और X3 का जो UJ था वो यहाँ आपको लिखना है, तो इसका UJ कितना रहेगा 3, तो वो 3 और S3 और S3 की बेसिक वेरिएबल में सॉल्यूशन बेसिक वेरिएबल में वैल्यू कितनी है 0, तो ये 0, देन XB पहले का 10 है तो ये
10 ही रहेगा और ये 0 और ये 10। आपको पहले जो की एलिमेंट है वो की एलिमेंट को वन करना है, मीन्स ये यहाँ वन करके बाकी ऊपर नीचे के 0। तो आपने सेकंड कॉलम को पहले 2 से डिवाइड किया और 2 से डिवाइड करके आपको पहले ये सेकंड कॉलम की वैल्यू निकाली, मीन्स 0 माइनस 1/2, 0 1, 0 1/2, 0 एंड 0 माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी। देन ऊपर का आपको क्या करना है, 0 करना है, मीन्स इस पहले आपने ये कॉलम को ये वन करने के लिए इसको 2 से डिवाइड किया, अब इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, तो आप क्या ऑपरेशन करोगे, इसको वैसे के वैसे रख देना। इसमें से अगर ये न्यू वाला जो आपने ये सेकंड रो निकाला है ये वैल्यू ये रो की x3 की, इसमें से ये 1 माइनस किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0। तो अब देखो यहाँ का सेकंड रो और पहले टेबल का फर्स्ट रो, इसमें ऑपरेशन करना है आपको, मीन्स ये न्यू x3 में इसकी वैल्यू है 1 और ये यहाँ पहले टेबल में 1 है, तो आपको करना है R1 माइनस R2 न्यू, R2 न्यू मीन्स नीचे वाला टेबल का R2 ए, ये R2, देन वी गेट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, दिस वैल्यू 1, दिस 3/2, ये 10 ही रहेगा और यहाँ माइनस 1/2 और 0। वैसे ही नीचे का 0 करना है, नीचे का 0 करना है मीन्स नीचे थर्ड टेबल में, ऊपर के थर्ड टेबल में आपको वैल्यू दी है, देखो यहाँ वैल्यू दी है माइनस 1, तो यहाँ 0 करने के लिए ये माइनस 1 पे ये न्यू जो पहले इसमें R1 माइनस R2 न्यू करना है और यहाँ R3 प्लस R2 न्यू करना है, तो आपको मिल जाएगा ये टेबल, ये रो मिल जाएगा 10 माइनस 1/2 2, 0 0 1/2 1, 0 माइनस 10 और इंफिनिटी। देन आपको निकालना है डेल जे, सेम प्रोसीजर इज यूज, 0 माइनस 3/2 0, 3 माइनस माइनस 3/2 और 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/2 0, देयरफॉर हियर 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/2 हियर माइनस 1/2 माइनस 3/2 और इसका सीजे 0 है, माइनस 3/2 माइनस 0 मीन्स माइनस 3/2, सेम प्रोसीजर इज यूज, देन 1 माइनस 1 0 और ये इसका सीजे 1 है, देयरफॉर हियर माइनस 1, सेम प्रोसीजर यूज, देन फाइंड द डेल जे ऑफ दिस, एंड हियर वी सी द मोस्ट नेगेटिव इज माइनस 3/2, देयरफॉर दिस फर्स्ट रो इज द की कॉलम, देन फाइंड द आउटगोइंग एलिमेंट, ये आपको आउटगोइंग एलिमेंट के लिए आपने ये कॉलम चूज किया है, देन फाइंड Q1 मीन्स मिनिमम ऑफ XBI अपॉन XKI ग्रेटर देन 0, तो ये की कॉलम में ये पहला वाला पॉजिटिव है, बाकी के 2 निगेटिव है, देयरफॉर इसका XBI कितना है 10, 10 डिवाइडेड बाय 3/2 मीन्स 20 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स Q1 आया 20 डिवाइडेड बाय 3, देन फाइंड Q2 के लिए आपको ये सेकंड वाले दोनों निगेटिव है, इसका यूजे माइनस XBI इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, वो इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ माइनस 1/2, तो देन वी गेट इन्फिनिटी मीन्स Q2 इज इन्फिनिटी एंड यूजे इज 8, यूजे 8 कैसे है, तो जो की कॉलम है इसका यूजे 8, देन फाइंड Q इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ऑल दिस 3 और इसमें तीनों में से मिनिमम ये है 20/3, देयरफॉर Q करस्पॉन्ड टू 20/3, then S1 is going out means incoming vector is X1 and outgoing is S1. ये यहाँ से दिखेगा, ये की एलिमेंट कौन सा होगा आपका 3/2 होगा,
ये x1 एंटर करेगा इसमें और ये बेसिस में से s1 चला जाएगा, x1 एंटर करेगा s1 आउट करेगा, मींस लीव हो जाएगा। एंड देन ड्रॉ द वो जो एलिमेंट है इसको आपको क्या करना है, वन वन करने के लिए इसको कितने इसको वन कैसे कर सकते हैं आप, टू बाय थ्री से मल्टीप्लाई करके, बराबर है, टू टू कैंसल, थ्री थ्री कैंसल, मीन्स मल्टीप्लाई टू बाय थ्री, देन वी गेट हियर वन, एंड ये सबको मल्टीप्लाई करना है, इसको वन करना है और नीचे के दोनों भी क्या करने हैं आपको, जीरो। तो यूज दिस ऑपरेशन एंड देन वी गेट द टेबल, फर्स्ट x1 एंटर हो गया आपका बेसिस में, इसकी वैल्यू जीरो है, x3 की वैल्यू थ्री है, x3 जीरो है, फर्स्ट मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट रो को आपको टू बाय थ्री से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा ट्वेंटी बाय थ्री, और ये वन करना था यहाँ वन हो गया और ये मल्टीप्लाई करके ये रो आ गया आपका। तो अब आपको इसके नीचे के सब जीरो करने हैं, तो देखो इसके नीचे के जीरो करने के लिए आपको ये क्या है माइनस वन बाय टू, और यहाँ कितनी वैल्यू है न्यू आर वन में वन है, तो ये माइनस वन बाय टू ऐसे ही रखना है और इसको वन बाय टू से मल्टीप्लाई करके मीन्स आर टू ओल्ड, यहाँ का आर टू माइनस आर टू ओल्ड, माइनस नहीं ये माइनस है तो आपको प्लस चलेगा, प्लस हो गया तो वो जीरो हो जाएगा, आर टू प्लस वन बाय टू आर वन न्यू, तो यहां हो जाएगा आपका जीरो। सेम प्रोसीजर इज यूज इन थर्ड थर्ड रो, आर थ्री माइनस आर थ्री प्लस वन बाय टू आर वन न्यू। तो आपको ये मिलेगा, सिंपल ये टेबल मिल जाएगा, और ये टेबल मिल गया आपको। देन फाइंड डेल जे, डेल जे कैसे फाइंड करना है, डेल जे मीन्स जीरो मल्टीप्लाई बाय वन, जीरो ये मल्टीप्लाई किया तो जीरो, मीन्स हियर जीरो, ऐसे ही सेम मल्टीप्लाई किया तो आपको ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, मीन्स डेल जे इज इक्वल टू सी बी इन टू एक्स आई, एक्स वन के कॉलम में किया तो ये मिल जाएगा इन टू माइनस सी जे, तो ये आपको मिल जाएगा। और आपको यहाँ दिख रहा है कि डेल जे ऑल आर पॉजिटिव, अगर ऑल डेल जे आर पॉजिटिव हिज ऑप्टिमम सॉल्यूशन आर इज रीच, एंड सॉल्यूशन इज एक्स वन इज इक्वल टू ट्वेंटी बाय थ्री, हियर वैल्यू ऑफ एक्स वन की एक्स बी के कॉलम में देखना है, और एक्स वन की वैल्यू एक्स बी के कॉलम में कितनी आई, ट्वेंटी बाय थ्री, तो यहाँ एक्स वन इज इक्वल टू ट्वेंटी बाय थ्री, देन x3 की वैल्यू है 10 बाय 3, तो x1 आएगा, x3 आएगा 10 बाय 3, x2 एंटर ही नहीं हुआ बेसिस में, यहाँ दिख रहा है कि x2 नहीं है, तो इसकी वैल्यू जीरो लिखनी है, x2 इज इक्वल टू जीरो, x1 इज इक्वल टू 20 बाय 3, एंड x3 इज इक्वल टू 10 बाय 3, और इसकी टोटल करके यहाँ वैल्यू कितनी आ गई आपकी, डेल जे की 10, देयरफॉर मैक्स जेड इज इक्वल टू 10। ये हो गया आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम। समझ में आई मेथड पूरी? हेलो हेलो, समझ प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम है? हेलो हेलो, नहीं मैम, जूम मीटिंग करनी है नेक्स्ट लेक्चर के लिए कल? हाँ मैम, या वीडियो में अच्छी तरह से समझ सकते हैं आपकी जूम मीटिंग में? जूम मीटिंग है मैम, जूम मीटिंग है इसी का मैम, टाइम चेंज नहीं हो सकत का? हो सकते, सांगा ना तुम्ही टाइम, सकाळी पण घेतलं चालते मैम? नाही सकाळी नाही जमणार, हां मैम सकाळी घ्या, सकाळी नाही 12 वाजता मैम, 1 वाजता चालते, किती वाजता सांगा? संध्याकाळी 5 ला घ्या मॅम। नाही मॅम, ड्युटी असते माझी।
नाही पाचला मिस घेऊ नाही शकत. एक तर आपला तसंही टाइम टेबल मध्ये टायमिंग हा साडेतीनचा आहे, त्याच्यामुळे मी 3 ते 3:40 पर्यंत हा टायमिंग सुटेबल आहे सगळ्यांना असं मला वाटते. बघ तुम्ही सांगा. 3 वाजताच घ्या मग मॅम. ठीक आहे बरं. तुम्हाला मॅम लेक्चर करणं नाही होत मॅम. 1 वाजता घ्या ना मग मॅम. नाही 1 वाजता नको मॅम, 3 तास टाइम बरोबर आहे मग, नाहीतर 4 ला ठेवा मग. 1 वाजता मग असं होते सगळ्यांचं होत राहील. त्याच्यापेक्षा आपण आपला टाइम टेबल प्रमाणे आहे 3 वाजता. ठीक आहे बरं. तुम्हाला कसं वाटलं, हे चांगलं वाटलं कि व्हिडिओ पाठवल्यावर चांगलं वाटते? नाही नाही हेच बरं आहे. हेच मॅम घ्यायची का झूम? हा मॅम झूम मीटिंगच घ्यायची. झूम मीटिंग घ्यायची. बरं ठीक आहे मग. पण आज पार्टिसिपंट काय 11 जण आहे मॅडम. कोणाकोणाला माहित पण नाहीये लेक्चर आहे म्हणून, कारण तुम्ही काल लिंक टाकली ना, तर कोणाचं लक्षात पण नाही. बरं बरं ठीक आहे. बरं मी उद्याची लिंक आज पाठवते, तुम्ही सगळ्यांना सांगा, आपण करून घेऊया. ओके बरं. समजलं का तुम्हाला? काही क्युरी असेल तर विचारू शकता तुम्ही. मॅम या मेथडवर अजून एखादा प्रॉब्लेम घ्यान का उद्या? उद्या या मेथडवर आणखी एखादा प्रॉब्लेम. हो बरं ठीक आहे. पण मग मला आता ते म्हणजे या पीडीएफ मध्ये नाही आहे ते, तर आता मला ते पुन्हा पहिले एका पेजवर लिहून त्याची पीडीएफ करून याच्यावर टाकावं लागेल. तर असं करू ना, जे पहिले या पीडीएफ मध्ये आहे ते शिकून घेऊ, वाटल्यास मग मी तुम्हाला प्रॉब्लेम देते नंतर, आणि नंतर समजून पण देते. बोला. हे समजलं? एक वाजता काय प्रॉब्लेम आहे का कोणाला? ते 1 वाजता कोणाला प्रॉब्लेम आहे का? म्हणजे 3 वाजताच घेणार आहे का लेक्चर रोज? तुला प्रॉब्लेम? हो मॅम, माझे जॉब असते त्याच्यामुळे. नाही 1 वाजता बहुतेक लोकांना प्रॉब्लेम आहे म्हणतात ना, तसे आपलं लेक्चर 3:30 आहे ना. हे शर याच व्हिडिओ रेकॉर्डिंग बंद कर. बर 3 वाजताच राहू देऊ आपण. रोजचा आहे का तुझा जॉब 3 वाजता? हो मॅम, माझं 2 वाजता राहत. ओके कर ऍडजस्ट. सर्वांनाच कोणत्या ना कोणत्या टाइमला काही ना काही असते, मग तुम्हीच एखादा टाइम देऊन द्या, मग आम्ही करते. मग आपण हीच राहू देऊ 3 वाजता करू, कारण 40 मिनिटाच्या वर काही होत नाही. हो झूम मीटिंग 40 मिनिटाची. 40 च्या वर काही होत नाही. आज कशी चालली काय? मी थोडीशी जास्त चालली ना. हो लेट केलं मॅम तुम्ही स्टार्ट लेक्चर आज. हा 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 म्हणून झालं का? हा ठीक आहे ना. आपण शांततेत एक एक प्रॉब्लेम घेत जाऊ एका मेथडवरच, आणि तुम्हाला काही जर क्युरी असली तर विचारा मला. ठीक आहे मग. ठीक आहे. ठीक आहे मग, उद्या 3 वाजता जॉईन व्हा मग. काय? हो मॅडम. स्टॉप लिव्ह करणार रीड एंड करायची का मीटिंग? हा एंड कर.